मैं जामा मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष निज़ाम हुसैन पम्बा साहब से गौ मास के ऊपर कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। पम्बा भाई, आपका ये जो इस वक्त परेशानी चल रही है गोश्त के लिए, मुसलमान जगह जगह परेशान है, इसके लिए क्या ख्याल है? मेरे भाई, इस वक्त सब्र की ज़रूरत है, आप सब्र कीजिए और इस सब्र का फल मीठा मिलेगा। योगी सरकार ने ये जो फैसला किया है मुसलमानों की भलाई के लिए किया है। आज तक हम बीमार हजार गाय का भैंसों का गोश्त खा रहे थे, आज हमें डॉक्टर से चेक हुआ हुआ गोश्त मिलेगा। योगी सरकार का कोई फैसला ये गलत नहीं है, हम योगी जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं। क्यों? दुकानों की सफाई होंगी, छुरियाँ रोज धुलेंगी, साफ सुथरा मीट खाने को मिलेगा, हमारी बीमारी खत्म होगी, बीमारी से बचेंगे। और मेरी मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो गाय का गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जहाँ पर किसी को तकलीफ पहुँचते हैं वो काम करना बिल्कुल गलत है। बादशाह जफर के ज़माने में जब कोई गाय काटता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन आज वो कानून नहीं है। मेरी मुसलमानों से हाथ जोड़ के अपील है कि गाय के गोश्त को बिल्कुल न खाएं। पम्मा भाई, ये बयान आप किसी दौर दबाव में तो नहीं दे रहे हैं? कोई दौर दबाव में नहीं दे रहा है, योगी सरकार का अच्छा बयान है, बहुत प्यारा फैसला है मुसलमानों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बीजेपी की सरकार से डर के ये बयान दे रहे हैं? हम बीजेपी की सरकार से नहीं डर रहे हैं, हमें बीजेपी सरकार से हमेशा डराया गया। कांग्रेस ने डराया, समाजवादी ने डराया, बीएसपी ने डराया, और डरा के आज इतनी गहरी खाई कर दी कि हिंदू मुसलमान को बांट दिया बिल्कुल। यहाँ की गंगा जमुना जो तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते थे, इन पार्टियों ने बीजेपी के लिए हमारे दिल में नफरत भर दी थी, लेकिन आज उस नफरत का हमारे अंदर 25% भी नहीं बची वो नफरत। योगी सरकार अच्छी सरकार चल रही है, सबको साथ लेकर चल रही है। पम्मा भाई, आपके ये संकेत कहीं बीजेपी में जाने के तो नहीं है? भाई, अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। आगे अगर योगी जी ने का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पर काम किया तो हम क्या हमारे साथ हजार हर मुसलमान बीजेपी में जाएगा। और अगर बीजेपी ने आपको नहीं लिया तो? बीजेपी नहीं ना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो पार्टी लेती है हम उसके साथ चले जाते हैं। और आज तक हम किसी पार्टी से नहीं निकले, हमें खुद पार्टी निकाल देती। क्यों? हम इंसाफ की बात करते हैं। आज सबसे बढ़िया पार्टी जो है वो बीजेपी है। समाजवादी ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने, इन सब ने हमें बीजेपी से बहुत डराया और बहुत डरा के हमारा वोट लिया और हमें लूटा इस्तेमाल किया। भाई, तुम्हारा पीस मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ।